जी अभी तो हम लोग आज जो शूट कर रहे हैं तेजस्वी यादव आईपीएस अफसर, जिसमें एक मेरा पत्रकार की भूमिका है, एक अलग करेक्टर मिला है करने के लिए। भैया जी बिल्कुल एक्शन फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है। बहुत ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वो होता है। सो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और आज एक फिल्म स्टार्ट हुई है तेजस्विनी यादव आईपीएस, और दूसरी फिल्म जिसे देख रही हैं आपकी द भैया जी ग्रेट, उसका मुहूर्त हुआ है शुभ मुहूर्त। ये ग्रेट भैया जी, मैंने मतलब पहले इसका भैया जी टाइटल था। मैं 5-6 साल से मैंने कई बड़े बड़े एक्टर को सुनाया था, हर बार कुछ ना कुछ कारण से रुक जाती थी, और फिर संजोग आया कि एक एक्शन हीरो ने जन्म लिया इंडस्ट्री में, और हमारे प्रिंस जी ने बोला अब इसका सही समय है, इसको किया जाए। और मेरी स्टोरी से काफ़ी मैच खाते रहे, जैसे मुझे चाहिए था करेक्टर। तो फिर मैंने बोला लगभग फिर प्रिंस जी को सुनाया, तो प्रिंस जी ने पहले तेजस्वी जी के लिए हामी भरी, हाँ हुआ ये भी अच्छा, एक अलग भूमिका है, और एक रूपा भी मेरे स्क्रिप्ट में मतलब मुझे लगा कि परफेक्ट है। तो फिर मैंने इस तरह हम मिलजुल के सब्जेक्ट सुना के हमने लगभग तैयारी की, और आज वो शुभ घड़ी है कि मुहूर्त तक पहुंच गए हैं, और जल्द से जल्द हो सकता है कि मार्च अप्रैल कभी भी हम इसको फ्लोर पे जा सकते हैं। पहले तो तेजस्वी करूँगा, तेजस्वी तो जल्द अभी इसी अगले महीने में कर दूंगा, उसके बाद तुरंत ये चालू करेंगे जैसे अकॉर्डिंग डेट बीट हो गई। और ऐसी कई प्लानिंग है, बस आप लोग आशीर्वाद और पैसा देते जी मैं करते जाऊंगा। जी इसमें एक मेरा पत्रकार का किरदार है, जो कि मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा रोल है। एक्चुअली किरदार बताया नहीं गया है, बस इतना बताया गया है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जो कॉन्सेप्ट वो प्रिंस जी सुने हैं, प्रिंस जी बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और सर ने मुझे ऑनलाइन बताया था तो मुझे अच्छा लगा था। और जैसे कि आज पहला दिन तेजस्विनी यादव आईपीएस का है, तो ये तो किरदार मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, और मैं चाहूँगी कि इस पर मैं खरी उतरूँ। और मुरली सर ने उस मुझे इस किरदार के लिए सही समझा, और इस किरदार के लिए मुझे चूज़ किया, तो इसके लिए सर थैंक यू। अरे पहले मुझे लगा था, मतलब मैं टू वी फ्रेंड, जब मैंने रूपा को पहली बार लगा था तो ये मेरे लिए तो एक एज ए राइटर डायरेक्टर कोर्स मुझे चैलेंज ही समझा। तो मैं पहले कन्फ्यूज़ था कि रूपा डायलॉग चुलबुली लग रही है, डायलॉग इतने बड़े बड़े कैसे बोलेगी, पर आज टच वुड के हमारा कई आर्टिस्टों की वैसे रिटक गया, पर पूरी यूनिट बोलेगी कि रूपा के वैसे बड़े बड़े डायलॉग थे, कैसे याद कर लेती, मेरे को समझ नहीं आता कि इतनी मेमोरी कहाँ से लाती है। और उसके हाव भाव जिस तरह चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, पर आज ऐसा लगा कि साला मैं और बड़े डायलॉग लिखता, आज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच। लगा सबने बोला, अरे क्या सबकी वजह से रिटक गया, रूपा की वजह से एक भी मुझे नहीं लगता रिटक गया आज, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, और कुछ नहीं बोलूँगा। सर का भी इतना गुड नेचर है ना, मतलब डायरेक्टर वाला कोई स्वभाव नहीं है, बिल्कुल घर के बेटा आ जाओ चलो करते हैं, मतलब 5-6 सीन कैसे कंप्लीट हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी इसमें तेजस्वी यादव में 8 या 9 7 गाने हैं। हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा जी हैं, जो कि हमारे कंटिन्यू 4-5 फिल्मों में दे रहे हैं, गाने भी बहुत बेहतरीन बने हैं। इसमें गाने अभी मैं कैरेक्टर में हूँ तो इस कैरेक्टर को निभाऊंगी। अगर मैं फैमिली मेंबर में जाऊंगी, सपोज कि अगर मैं इसमें एक शादीशुदा लेडी हूँ तो उस किरदार में निभाऊंगी, पति से रोमांस होगा तो उस किरदार में निभाऊंगी। जैसा जैसा हमारा इसमें कैरेक्टर जाता जाएगा वैसा वैसा मैं उस कैरेक्टर को प्ले करूँगी। म्यूजिक तो मैं शुरू से, मैंने पहली फिल्म बनाई थी सीता, तो उसमें भी मैंने म्यूजिक पे काफ़ी ध्यान दिया था, जबकि भोजपुरी का नॉलेज नहीं था। और ओम झा ही 14 साल पहले म्यूजिक डायरेक्टर था, और ओम झा ने मेरी पहली फिल्म की थी आज वो टॉप म्यूजिक। उसके बाद मैंने कई मराठी फिल्में ऐसे किए संगीत, तो मेरी हर फिल्म में संगीत पे तो मैं ज़्यादा रुचि लेता हूँ, और अब इस बार तो ऐसा है कि ओम एक मजे हुए संगीतकार हैं तो उन पर छोड़ देता हूँ। अभी मैंने कल भी एक उसको रिकॉर्ड किया है जो कल शूट करने वाला बहुत है। संगीत तो हर हर फिल्म में मेरा अच्छा होता है,
मतलब उसमें नो डाउट। आप लोग हैं ना, आप ही लोग से इतनी अच्छी हाजिर ट्रेनिंग मिल जाएगी। एक्शन के लिए कोई टेंशन नहीं थी क्या? एक्शन में तो आप माहिर हो, लेकिन इस फिल्म में कुछ नया एक्शन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, भैया जी नाम है तो इसमें अलग एक्शन मिलेगा ही मिलेगा, फाड़ू एक्शन होगा इसमें। देखो शेख, हर इंसान का सपना था कि मैं जल्द से जल्द फिल्म को पर्दे तक ले आऊँगा। मेरा ही सपना है कि मैं अप्रैल तक सब ले आऊँ, मई तक दोनों फिल्में, और कुछ कारण कुछ ये वो तो ऊपर अला जाने। मेरा सपना है, मैं जल्द से जल्द, मेरा है, मैं अच्छी नियत से और अच्छे दिल से बना रहा हूँ। अभी हम लोग क्वींस ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत डाउन टू अर्थ है, हर बार मिले हैं तो एकदम रिस्पेक्ट दिया है और बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो काफ़ी दिन बीच में इनका गैपिंग रहा, इन्होंने भोजपुरी बिग फिल्में बनाई थी कृष्णा जी और रानी जी को लेके, फिर कम बैक किए हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कम बैक। हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा टाइटल्स, अच्छे गाने लेकर आए हैं। अभी ये भोजपुरी मिट्टी है, ये एक बार जिसको लग जाती है छोड़ती बहुत मुश्किल से। एट लास्ट भैया को खींच ही लाया, वो भी खींचा तो दो दो फिल्म एक साथ, वो भी बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ। किसी का भी सपना चल रहा है, हो सकता है कभी झटका दे दे। हम लोग का भी सौभाग्य है कि सर के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू। एक और फिल्म का शूटिंग चल रहा है इसी सेट पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी? तेजस्वी के बारे में, जो आप तक किरदार है, ये कलर फिल्म से आप पेश आई हैं और दूसरी फिल्म का है, तो जो दिखे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इस किरदार के लिए सर ने बहुत चुनाव किया और इस चीज़ पे मुझे खरा उतरा देखा उन्होंने। मैं सर के लिए, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ कि सर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। कोई ले रहा है कि नहीं वो बात नहीं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, मेरे 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 फैमिली मेम्बर हैं रूपा जी और प्रिंस जी, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनको हमेशा चाहता हूँ कि बहुत तरक्की करें, तो मेरी ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं। मुरली जी को साथ में, मुरली जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, और तमाम जितने टीम के यूनिट मेंबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनेगी। आपका भी कोई रोल होगा कुछ बताएं? नहीं, अभी रोल का अभी बोला है, लेकिन अभी डेट वेट फिक्स हो जाए, माल पानी आ जाए, आया नहीं है माल पानी। देव जी बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बिजी आर्टिस्ट हैं, सो हमारे फिल्म में टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, बोलिए आप ही लोग बहुत। देखिए यार, बम्बई आया था कि बिजी रहूं, रोज शूटिंग करूं, अब बिजी हुआ तो होने तो चाहिए ना यार। घर का मेंबर बोल रहे तो भी तो पूरा कीजिए साथ में, तो कर तो रहा हूं मैं। देखिए आया हूं ना, अभी आप बोलिए मैं कब आ जाऊं आपके साथ शूटिंग करने के लिए। हाँ जी सर, एक सीन आप मेरा रखिए, स्पेशल सीन मारिए मेरे को, डिचुम डिचुम उठ जाऊं मैं, बस उतना ही। नहीं करेंगे। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये सब तो मस्ती हो रही है, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रूपा इस कॉस्ट्यूम में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और टाइटल भी बहुत जबरदस्त है, तेजस्विनी हिंदी में बहुत सुपर हिट हुई थी। हम भगवान से दुआ करेंगे कि भोजपुरी में भी सुपर हिट हो और तेजस्विनी पार्ट टू बने और मैं उसमें मेन विलन रहूं। और ये फोन कट कर, यहाँ नौकरी के लिए रोज लड़ाई हो रही है, घुस दिए जा रहे हैं, उनका नौकरी मिलने लगा तब उसको खुशी नहीं है, रोल करता रोल चाहिए रोल, आप मेरा रोल कर लीजिए, नौकरी मेरे को दे दीजिए, बोलिए भाई। नहीं बोलेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट भैया जी का मुहूर्त हुआ है तो कुछ बताइए फिल्म के बारे में और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले इस ग्रेट भैया जी और तेजस्वी यादव आईपीएस की पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई है, विशेष करके मुरली जी को जिन्होंने एक साथ दो फिल्में एक शुरू की और एक का मुहूर्त किया। दूसरे वाकई में जो टाइटल है ग्रेट भैया जी, हमारे प्रिंस भाई जो है प्रिंस सिंह राजपूत, वो वाकई में ग्रेट हैं और इंडस्ट्री के भैया जी भी हैं, तो प्रिंस सिंह को और रूपा और मुरली जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये तो वक्त बताएगा, अभी तो हम लोग अभी पहले तो हम लोग ब्लेसिंग देने आए हैं रूपा को, ब्लेसिंग देने हैं रूपा और प्रिंस जी को, और ब्लेसिंग भी ऐसी कि आने वाले समय में हर हफ्ते में एक फिल्मों की मुहूर्त हो, इस तरह की ब्लेसिंग देना है। और शूटिंग हो भी तो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा बोलिए, वो पीछे की बात है। ओके, समान में बोल दें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।